हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक किड्स लहंगा चोली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लें। ये मैंने एक जामा का कपड़ा लिया, इसे ब्रोकेट फैब्रिक भी बोलते हैं, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसे डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसे ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम अपनी कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर का मेज़रमेंट लेने के बाद हम कमर के चौथे भाग को पर हम यहाँ निशान लगाएं। जैसे हमारी कमर यहाँ 20 इंच की है तो हम यहाँ पर उसका चौथा भाग यानी 5 इंच निशान लगाएंगे। ये कमर का निशान है। अगर आपको लूज चाहिए तो आप यहाँ 2 इंच बढ़ाकर कमर पर निशान लगा सकते हैं। मुझे यहाँ फिटिंग चाहिए था तो मैं यहाँ जितनी मेरी कमर है उतना ही निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम लंबाई नाप लेंगे। यहाँ लहंगे की लंबाई मैंने 15 इंच रखी है और 2 प्लस बेल्ट का, तो हमारी फुल लंबाई जो होगी 17 इंच तैयार होकर आएगी। ऐसे ही 15 इंच पर हमें यहाँ कमर के निशान से गोलाई में टेप को घुमाते हुए निशान लगा लेना है। आपको जितनी भी लंबाई लेनी है उतनी लंबाई लेकर उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए और ऐसे गोलाई से निशान लगाना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। लहंगे के लिए बस हम ये 2 ही निशान लगाएंगे। पहले हमने कमर का निशान लगाया और लेंथ लगाते हुए हमने इसको शेप दिया है। ये हमारे लहंगे की कटिंग पूरी हो गई है। हमारे लहंगे की कटिंग यहाँ पूरी हो गई है। हम ऐसे ही इसको अस्तर पर रखकर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। अब बंद भाग के साइड हम सबसे पहले कंधी का निशान लगाएंगे। 4 इंच पे कंधी का निशान लगा लिया है मैंने और 4.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान हम हमेशा कंधी से 0.5 इंच ज़्यादा लगाएंगे और यहाँ हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे। यहाँ मेरी चाक का कलर बहुत लाइट हो गया है। मैं पेपर पर आपको कटिंग कर एक बार इसकी दिखा दूंगी। बस ऐसे ही हमें कट कर लेना है इसको। ये हमारी चोली की कटिंग भी हो गई है। ऐसे ही हमें इन दोनों कपड़ों को अस्तर पर रखकर कट कर लेना है। इसके बाद हम बेल्ट तैयार कर लेंगे लहंगे में लगाने के लिए। बेल्ट के लिए हम जितनी हम नाप लेंगे, यहाँ 20 इंच का मैंने बेल्ट लिया है और 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। आपने जितनी लहंगे की कमर रखी है उतना ही आपको बेल्ट लेना है। एक बार मैं आपको पेपर पर इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। वहाँ चाक मेरी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी तो निशान आपको नहीं दिखे होंगे इसमें। सबसे पहले हमें कपड़े को ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम ऊपर कमर का निशान लगाएं। कमर के निशान के लिए हम कमर का जितना भी कमर है हमारी उसके चौथे हिस्से को, जैसे हमारी कमर यहाँ 20 इंच है तो हम 5 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे और इसे गोलाई से हमें यहाँ ऊपर निशान लगा देना है। ये कमर का निशान हो गया। अब हमें लंबाई में निशान लगाना है। लंबाई के निशान के लिए हमारी जितने भी लहंगे की लेंथ है उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे और कमर के निशान के यहाँ से टेप को रखते हुए ऐसे गोलाई में हमारी लेंथ पर निशान लगाते जाएंगे। इसको हमें शेप दे देना है और अब हम इसको कट कर लेंगे।
ये देखिए इसी तरह हम लहंगे की कटिंग करेंगे। मैं आपको चोली की कटिंग भी करके बताती हूँ पेपर पे। इसको डबल फोल्ड करा है मैंने और यहाँ फोर फोल्ड करा है। फोर फोल्ड कर कर हम कंधी पे निशान लगाएंगे। कंधी के लिए हमने यहाँ 4 इंच का निशान लगाया। मैं बस यहाँ आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे निशान लगाना है। आप जब भी कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही कटिंग करेंगे। ऐसे ही हम आर्म होल का निशान लगाकर इसको गोलाई दे देंगे। कमर चेस्ट का नाप लेते हुए इसको कट कर लेना है। मैंने यहाँ लहंगे और चोली दोनों की कटिंग पेपर पे कट के आपको आसानी से समझ आ सके। यहाँ हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। जो मेन फैब्रिक था वैसे ही हमने उसको अस्तर पर रखकर उसको काट लिया है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखकर सबसे पहले कमर पे सिलाई लगाएंगे। हम इस दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। हमें मेन फैब्रिक को ऊपर रखना है, उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। इसके बाद हम इसको पलट देंगे। यहाँ हमने ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम पलट कर एक ऊपर से चपटी सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे ये अस्तर पूरी तरह से सेट हो जाए। यहाँ हमने अस्तर को अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसके बाद हम अस्तर के नीचे भाग में इसको ऐसे ओट कर सिलाई लगा देंगे। पूरे घेर में हमको ऐसे सिलाई लगानी है। पूरे घेर में सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए हमने यहाँ बेल्ट लिया है 20 इंच का हमारी कमर के हिसाब से और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम यहाँ बेल्ट अटैच कर देंगे। बेल्ट अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसको सीधा रखकर अंदर के भाग में जोड़ेंगे और फिर इसको पलट देंगे। बेल्ट अटैच करने से पहले आपको इसके दोनों कोनों पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम ऊपर लाते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा देंगे। अब इसमें नाड़ी इलास्टिक मैं यहाँ नाड़ी लगाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ नेफा तैयार किया है। दोनों साइड से ओपन रहेगा। आप चाहे तो आप इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं। Thank you.
यहाँ हमने बेल्ट लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम लहंगे की दोनों ओपन साइड को सिल लेंगे। हम लहंगे के मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक, अब हम यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें अलग अलग सिलाई लगानी है, अंदर से ही हमें अटैच नहीं करना है इसको। ऐसे ही हम अस्तर में भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम लहंगे के मेन फैब्रिक को पूरे घेर में इसको ऐसे होल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली के लिए भी हमने चोली के मेन फैब्रिक को अस्तर पर रखकर उसकी कटिंग कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखकर यहाँ चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ हम आर्म होल और गले में सिलाई लगाकर इसको पलटेंगे। यहाँ विदाउट स्लीव्स का यहाँ गले पर हमने सिलाई लगा लेंगे और ऐसे ही हम आर्म होल पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम गले को ऐसे कट कर देंगे, मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा जो भी है, और उसमें छोटे छोटे कट लगाते हुए आर्म होल में भी ऐसे ही कट लगा देंगे। और हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम एक सिलाई इसको ऊपर से दबाते हुए लगाएंगे ताकि हमारा गला फिनिशिंग से दिखे। ऐसे ही हम आर्म होल गले पे दोनों ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ हमने चोली के दोनों फ्रंट और बैक पार्ट रेडी कर लिए हैं और पीछे हमने ये टक्स लगाए हैं 2 इंच पर। वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर ऐसे ही जैसे हम शोल्डर को बीच में पकड़ कर टक्स लगाते हैं वैसे ही यहाँ 1.5 इंच का टक्स लगाया। अब हम इस दोनों के शोल्डर को जोड़ देंगे। यहाँ मैंने एक नेट का कपड़ा लिया है, इसको सीधे ही कट किया है। फ्रिल लगाऊंगी स्लीव्स में, यहाँ छोटे छोटे से हमको सल देते हुए इसे सिलाई लगानी है। अगर आपको ये फ्रिल स्लीव्स पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपको फ्रिल स्लीव्स पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाकर बताऊंगी। मैं दोनों साइड ऐसे छोटे छोटे सेल देते हुए इसको लगा लेना है।
दूसरी साइड भी हम फ्रिल को वैसे ही लगा लेंगे। अब हमें इसे ओढ़ कर सिलाई लगा देनी है। यहाँ हमारी स्लीव्स लगकर तैयार है। इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और ये हमारी चोली बनकर तैयार है। यह हमारी चोली बनकर रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ